वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। एनआरसी कानून का लागू होना कितना जरूरी है, ये बात आप शायद इस खबर के जरिए समझ जाएं। और ये भी समझ लीजिएगा कि आखिर क्यों सीए और एनआरसी के मुद्दों पर एक विशेष दल भड़क उठा था, उन्हें क्यों चिड़ मचने लगी थी और दिल्ली में क्यों उन्होंने खूब बवाल काटा, दिल्ली की सड़कें लाल कर दी गई थी। दरअसल उत्तर प्रदेश से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। गाजीपुर थाना से फतेहपुर पुलिस ने नेपाल के एक मौलवी को गिरफ्तार किया। स्क्रीन पर दिख रहा है ये मौलवी पिछले 15 साल से भारत में फर्जी पहचान और दस्तावेजों के साथ रह रहा था, ऐसा पुलिस का कहना है। सिर्फ यही नहीं, कथित रूप से इस पर मुस्लिम बच्चों को भड़काने और हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण कराने के भी आरोप लगे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मस्जिद सदस्यों ने खुद ही उसके खिलाफ शिकायत की हुई। अब आप सोचिए कि एक शख्स बीते 15 साल से फर्जी पहचान पत्र रखकर देश में रह रहा था, क्या ये देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक नहीं है? क्या ऐसे मौलवी समाज के लिए खतरा नहीं है? ये सवाल अपने आप में जायज है। खैर, इस बारे में पुलिस ने क्या कुछ कहा आप भी सुन लीजिए। नेपाल देश का एक संदिग्ध नागरिक जो मेवाती मोहल्ला थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर में काफ़ी वर्षों से आकर के रह रहा था, यहाँ पर रहते हुए इसने अवैधानिक तरीके से निर्वाचन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवा लिया था और 2016 में इसने पासपोर्ट भी बनवा लिया था। एक संयुक्त टीम ने इसकी जांच किया, जांच के पश्चात इसके विरुद्ध संदिग्ध धाराओं में थाना गाजीपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है, इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस मामले में पुलिस पड़ताल में ये बात भी सामने आई है कि मौलाना नेपाल के महोत्री जिले का रहने वाला है, जो 2001 में फतेहपुर आया था और 5 साल तक वहीं रहा। इसके बाद वो गाजीपुर पहुंच गया, वहां बड़ी मस्जिद के सदस्यों के संपर्क में आया और 2006 में सदस्यों ने इसे मस्जिद की जिम्मेदारी सौंप कर मौलवी बना दिया। पहले ये दीनी शिक्षा देने लगा, फिर झाड़फूंक भी करने लगा और इन्हीं हरकतों को देखकर मस्जिद सदस्यों ने ही उसे इमाम पद से हटवा दिया। बीते 24 सितंबर को उसके खिलाफ शिकायत की। ऐसे में सवाल ये भी कि आखिर किस आधार पर उसे मस्जिद की इतनी बड़ी कमान सौंप दी गई, जब उन्हें खुद ही नहीं मालूम कि देश का है या नहीं। और इस बारे में फतेहपुर मस्जिद कमेटी के सदस्य मजीद खान का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। ये हाफिज फिरोज आलम कहीं से घूमते घामते यहाँ आ गए, इनको रख दिया गया, तो मस्जिद में इमामत करते रहे, बच्चों को पढ़ा दिया। और ये भी कहने लगा कि आप पढ़ाई लड़कियों को लाइए, अन्य कास्ट की लड़कियों को, उसमें पैसा भी मिलेगा, मजा भी आएगा। भड़काऊ दंगे दिए, यहाँ तक कि एक ब्राह्मण की लड़की को किसी ने भगा करके लाए और उसका निकाह भी इसने करा दिया। इसका कोई पता नहीं, ये बताता मैं नेपाल का हूँ, कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये नेपाल का ही हो, ये बांग्लादेश का भी हो सकता है, रोहिंग्या भी हो सकता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ भी इसके जो है अभी हम तो नहीं जानते कहाँ है इसके प्रूफ। मस्जिद कमेटी के सदस्य मजीद खान बताते हैं कि एक बार कोई ब्राह्मण की लड़की को भगा कर लाया था तो उसका धर्म परिवर्तन करवाकर उसका निकाह भी फिरोज ने करवा दिया। इस बाबत पुलिस को शिकायत दी गई लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजीद ने बताया कि फिरोज को इसलिए हटा दिया गया ताकि गांव की एकता खंडित ना हो। कमाल है कि मजीद को भी ये नहीं मालूम कि वो नेपाल का है या कोई रोहिंग्या मुसलमान। इस बीच फिरोज आलम का कहना है कि उस पर लगाए गए धर्मांतरण के आरोप गलत हैं, उसकी बीवी की मौत हो चुकी है और 2 बेटियां नेपाल में रहती हैं। वहीं पुलिस इस केस में उमर गौतम कनेक्शन को भी तलाश रही है। जाहिर है कि इस धर्मांतरण का मामला इन दिनों बेहद गर्म है, एक के बाद एक कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो हैरान करने वाले हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार, ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल।